नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रमेश स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे पोर्टल के बारे में बताएंगे जिससे आप आसानी से घर बैठे 20 से 25,000 रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक साफ होना ज़रूरी है। साफ भी नहीं है फिर भी काम चल जाएगा, आप इसे लेकर कमा सकते हैं। इसमें आपको जिस तरह से RNFI, स्पाइस मनी, पेनियर बाई आदि काम करते हैं, उसी तरह से आपको ये काम करते हैं। इसमें भी आपको सारी सर्विसेज मिल जाएंगी, जैसे आधार कार्ड से बैलेंस इंक्वायरी करना, आधार कार्ड से कैश विदड्रा करना, पैन कार्ड, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, भारत बिल पेमेंट, रिचार्ज या ATM के द्वारा बैलेंस विड्रा करना आदि सारी सर्विसेज इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी का नाम है कैशराप मल्टी सॉल्यूशन, जो कि प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी ICICI बैंक द्वारा प्रमाणित की गई है। तो चलिए इसका हम पूरा रिव्यू आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है कैशराप। इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। आप कैशराप मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैशराप मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेकिंग योर फ्यूचर इज सक्सेस, पोर्टल लॉगिन। इसमें आपको सारी सर्विसेज दिखाई गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं APS से बैलेंस इंक्वायरी करना, कैश विड्रॉल करना, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, आप यहाँ से पैन कार्ड भी बना सकते हैं, बिल पेमेंट, जैसे आप सभी कंपनियों का रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा कमीशन देखने को मिल जाएगा और माइक्रो ATM के द्वारा आप किसी भी कस्टमर का बैलेंस विड्रा कर सकते हैं। APS सर्विसेज में आपको आधार बैंकिंग पावर्ड बाय आप यहां पर देख सकते हैं, आधार बैंकिंग इज APS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पावर्ड बाय ICICI बैंक सर्विस दैट रिटेलर टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग फंक्शन सच एज कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट टू देयर कस्टमर एंड अर्न मनी एज कमीशन। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ICICI बैंक द्वारा प्रमाणित है। इसमें आपको सारी सर्विसेज मिल जाएगी, जैसे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल, और आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ऑल दैट्स नीड टू डू इज साइन अप एज कैशराप मल्टी सॉल्यूशन पोर्टल। आप इसमें साइन अप कर सकते हैं। फाइनेंशियल टीम कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहां से कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंपनी का नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली बात करके ले सकते हैं। यदि आप ये ID मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको ये ID मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। यदि आप एक कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं तो आपको 300 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, तभी आपकी ID चालू होगी। यदि आप आधार बैंकिंग का काम शुरू करना चाहते हैं तो आप बेझिझक ID मुझसे ले सकते हैं, या आप इसे इसके ऐप के द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप के द्वारा आप किस प्रकार से रजिस्टर करेंगे इसकी जानकारी मैं आपको प्ले स्टोर पर ले चल के देने वाला हूँ। तो चलिए आपको प्ले स्टोर पर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं प्ले स्टोर पर आ चुका हूँ और सर्च बार में टाइप करना है आपको कैशराप, CASH
ARAP। जैसे ही कैश रैप लिखकर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कैश रैप मल्टी सॉल्यूशन की जो ऐप है देखने को मिल जाए। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कैश रैप मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैं इसे पहले से डाउनलोड किया हूँ इसलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। आप लोग भी इसे डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। और आपको यदि आपका आईडी पहले से बना है तो यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो यहाँ पर पहले आपको साइनअप करना होगा। तो साइनअप कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम डाल देना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने शॉप का नाम डाल देना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है, आधार कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ से अपना स्टेट डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको कि आप रिटेलर बनना चाहते हैं कि AMD बनना चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर की व्हाइट एबल। तो फ्रेंड्स यदि आप काम करना चाहते हैं तो हमें सिंपली रिटेलर ही बनना चाहिए, क्योंकि रिटेलर बनेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। AMD बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो आपको AID सेल करना पड़ेगा, जिस तरह से मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं इसमें पहले से ही रजिस्टर कर चुके हैं इसलिए मैं रजिस्टर नहीं करूंगा। आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो आईडी है क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको KYC करना है। KYC किस प्रकार से करना है मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। फ्रेंड्स जब आपकी आईडी क्रिएट होगी तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वही आपका यूजर नेम होगा और जो आपका पासवर्ड होगा आपका मोबाइल नंबर ही होगा। उसके बाद आपको बाद में अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। तो चलिए मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर फाइनली लॉगिन हो जाएंगे। लोड बैलेंस, मेन बैलेंस, सेटलमेंट रिक्वेस्ट, APS बैलेंस, यानी कि ये आईडी अभी अभी नई क्रिएट की गई है तो इसमें मेन बैलेंस वॉलेट सब कुछ 00 दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज मिल जाएंगी, मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, DMT, EPS, MATM, फास्टैग, LPG गैस, लैंडलाइन बिल, ब्रॉडबैंड, वाटर बिल और अधिक सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसे मैं कर देता हूँ थोड़ा बैक। तो मुझे फाइनली केवल APS से ज़्यादा ज़रूरत है। APS में कैश विड्रॉल, कैश डिपोजिट, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांजेक्शन विथ ओवर 80+ बैंक, यहाँ पर आपको 80+ बैंक का बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपोजिट, कैश विड्रॉल करने का फैसिलिटी मिल जाएगी। ब्रांचेस बैंकिंग APS, फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ICICI बैंक द्वारा ये प्रमाणित है। ICICI रिपोर्ट्स, डिवाइस रजिस्टर, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, आप यहां से सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैलेंस इंक्वायरी हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है, उसे आपको ओके कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ लोड ले रहा है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, आपको वेरीफाई कर लेना है। OTP हैज बीन सेंड टू यू ऑन योर मोबाइल नंबर, प्लीज इंटर इट बिलो, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा मोबाइल नंबर पे OTP आ चुका है, मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। उसके बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो
आपको वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद केवाईसी करने के लिए आपको यहाँ पर चूज आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि आपको यहाँ पर आईडी प्रूफ दे देना है, यहाँ पर एड्रेस प्रूफ दे देना है, यहाँ पर सब फोटो, यहाँ पर आपका सबका एक फोटो अपलोड कर देना है, पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ पर अपना एक फोटो अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आईडी प्रूफ यानी कि पैन कार्ड यहाँ पर आपको अपलोड करना है, तो मैं पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड दे देना है, यहाँ पर साफ का एक फोटो दे देना है, चूज फाइल दे देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स फिलअप करेंगे तो आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी।